नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ गर्ग एस जी ओ टोब्लॉग्स की एक फ्रेश वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं आया हुआ हूं क्लासिक मोटर्स भिवाड़ी टाटा के शोरूम में। हम बात करने वाले हैं टाटा टिगोर के बारे में, और देख सकते हैं मेरे पीछे खड़ी है। काफ़ी दिनों से इंतज़ार था इस गाड़ी का, बट यहाँ अवेलेबल नहीं हो पा रही थी, इसलिए इसकी वीडियो नहीं बना पा रहा था मैं। तो फाइनली आज टाटा टिगोर हमारे पास अवेलेबल है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं टाटा टिगोर के बारे में और देखते हैं इसमें क्या क्या फीचर्स कंपनी की तरफ से ऑफर किए गए हैं। और ये जो मॉडल आप देख रहे हैं, ये XZ मॉडल है, मतलब CNG में आप इसे बेस मॉडल बोल सकते हैं। तो चलो दोस्तों, ज़्यादा देर नहीं करते और वीडियो के एंड तक बने रहें और बात करते हैं गाड़ी के बारे में। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके फ्रंट ग्रिल के बारे में। तो इसमें आपको पियानो ब्लैक फिनिश देखने को मिलेगी। ऊपर की साइड में भी पियानो ब्लैक फिनिश है, और जो वो ट्राई एरो डिज़ाइन है जो कि आजकल टाटा अपनी सारी गाड़ियों में दे रहा है, वही ट्राई एरो डिज़ाइन देखने को मिलेगा, बट ये आपको पियानो ब्लैक फिनिश में मिलेगा। और अगर आप इससे XZ प्लस मॉडल लेंगे तो ये आपको क्रोम में देखने को मिल जाएगा, और सेंटर में टाटा का लोगो, नीचे की साइड में क्रोम गार्निशिंग की लाइन दी गई है जो कि इस हेडलाइट से उस हेडलाइट तक जाती है, और जो कि इसके लुक को काफ़ी इनहेंस कर रही है। बात करें इसके हेडलाइट की, तो दोस्तों इस वाले मॉडल में आपको नॉर्मल हेलोजन हेडलैम्प ही देखने को मिलेगी। इंडिकेटर की यूनिट यहाँ पर दी गई है जो कि हेलोजन ही है, और इसमें आपको प्रोजेक्टर वगैरह नहीं मिलेंगे, जबकि ये XZ मॉडल है। बात करें नीचे की साइड, इसमें आपको कंपनी की तरफ से हेलोजन फॉग लैंप दे दिए गए हैं, मतलब फॉग लैंप आपको मिल जाएंगे। इसके चारों तरफ आपको क्रोम की फिनिशिंग देखने को मिल जाएगी जो कि इसके लुक को काफ़ी इनहेंस कर रही है। और जो ये पियानो ब्लैक फिनिशिंग देख रहे हैं आप, आपको XZ प्लस मॉडल में यहाँ पर DRL मिल जाएंगे, बट इसमें DRL नहीं दिए गए हैं, ये आपको नॉर्मल मिलेगा, बट आप इसमें अलग से भी आफ्टर एसेसरीज DRL लगवा सकते हैं यहाँ पर। बात करें इसके साइड प्रोफाइल के बारे में, तो साइड प्रोफाइल में सबसे पहले हम बात करेंगे इसके टायर के बारे में। तो दोस्तों, आपको टाटा टियागो के XZ मॉडल जो कि CNG है, इसमें आपको नॉर्मल स्टील रिम देखने को मिलेंगे। वैसे तो टॉप मॉडल में भी आजकल हाइपर स्टील आ रहे हैं, बट इसमें आपको नॉर्मल स्टील रिम ही देखने को मिलेंगे, जिसके ऊपर कंपनी की तरफ से व्हील कैप फिट करके दिए गए हैं। और इसके बात करें इसके टायर साइज़ की, तो इसका टायर साइज़ है 175/65R14। इसमें आपको 14 इंच के नॉर्मल स्टील रिम देखने को मिलेंगे। बात करें टर्न इंडिकेटर की, तो वो आपको फेंडर पर नहीं मिलेगा, वो RBM पर मिल जाएगा। और टाटा वैसे तो आजकल सभी मॉडल्स में टर्न इंडिकेटर यहीं देने लग गया है, बट टियागो में आपको XM मॉडल में टर्न इंडिकेटर फेंडर पर ही मिलेगा, ORVM पर नहीं मिलने वाला। ORVM आपको बॉडी कलर्ड मिल जाएगा। बात करें डोर हैंडल की, तो डोर हैंडल आपको बॉडी कलर्ड भी मिल जाएगा, प्लस में आपको इसमें क्रोम की गार्निशिंग भी देखने को मिल जाएगी डोर हैंडल्स में। तो बात करें भाई इसके पिलर्स के बारे में, तो ए पिलर आपको बॉडी कलर्ड ही मिलेगा, सी पिलर भी बॉडी कलर्ड मिलेगा, जबकि बी पिलर आपको रफ ब्लैक फिनिश में ऑफर किया गया है। बात करें विंडशील्ड की, तो विंडशील्ड पर आपको CNG की बैजिंग देखने को मिल जाएगी, देख सकते हैं आप, इस पर CNG की बैजिंग दे दी गई है। और रूफ़ पर आपको एंटीना मिल जाएगा जो कि कुछ इस प्रकार का है, पीछे की साइड में रूफ टॉप पर आपको एंटीना मिल जाएगा कंपनी फिटेड। और बात करें फ्यूल कैप की, तो फ्यूल कैप में आपको ओपन करके दिखा देता हूँ, तो इसमें आपको पेट्रोल का ऑप्शन भी मिल जाएगा, 37 लीटर की पेट्रोल टंकी मिल जाती है इसमें आपको, और ये है CNG वॉल, आप देख सकते हैं CNG वॉल यहाँ पर दिया गया है, इसे ओपन करके आप CNG फिल करवा सकते हैं यहाँ से, और फिर इस कैप को आप क्लोज कर दीजिए। और ये जो सेंसर दिया गया है, ये दिया गया है जब तक कि आपके ये फ्यूल कैप खुला रहेगा, आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, जैसे ही ये बंद होगा तो ये सेंसर प्रेस हो जाएगा और आप गाड़ी स्टार्ट कर पाएंगे। तो एक सिक्योरिटी फीचर है कि ये ओपन रहेगा तो आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, अच्छा फीचर है, और आजकल CNG गाड़ियों में सभी में यह आने लगा है। तो ये बात हुई इसके फ्रंट और साइड प्रोफाइल की, अब हम बात करेंगे इसके रियर प्रोफाइल के बारे में। तो आप देख सकते हैं सेंटर में टाटा का लोगो, और सबसे मेन ICNG की बैजिंग टिगोर पर, और उस साइड टिगोर की बैजिंग दी गई है, और सेंटर में एक क्रोम ग्रिल दी गई है, क्रोम और सेंटर में क्रोम लाइनिंग दी गई है उस टेल लैंप से इस टेल लैंप तक, और टेल लैंप भी देखो काफ़ी प्यारी लग रही है देखने को। वैसे तो ये नॉर्मल हेलोजन ही है, बट इनमें ऊपर की साइड भी कुछ डिज़ाइन दिया गया है यहाँ भी, और इंडिकेटर की यूनिट यहाँ दी गई है, नीचे की साइड में रेड कलर की स्ट्रिप दी गई है। बात करें रिवर्स लाइट की, तो रिवर्स लाइट आपको वहाँ देखने को मिलेगी, टेल लैंप में नहीं मिलने वाली, रिवर्स लाइट आपको वहाँ मिलेगी रिफ्लेक्टर्स के साथ, जो कि वहाँ दिए गए हैं रिफ्लेक्टर्स। और पीछे की साइड में आपको दो पार्किंग सेंसर मिल जाएंगे देखने के लिए।
तो अब फाइनली हम इसके बूट को ओपन करते हैं और दिखाते हैं इसमें सीएनजी सिलेंडर लगाने के बाद कितना स्पेस बचता है। बूट ओपन करने के लिए यहाँ पर कोई भी रिक्वेस्ट आंसर नहीं दिया गया, आपको नॉर्मली वहीं से बूट को ओपन करना पड़ेगा। एक चीज़ और पता चली है, बूट ओपन करने के लिए भाई को है नहीं, मुझे भी कन्फ्यूजन हो गई थी। सारी गाड़ियों में बूट ओपन करने के लिए यहाँ पर लीवर दिया जाता है, बट टिगोर में आपको बूट ओपन करने के लिए ये बटन दिया गया है, यहाँ से आप बूट ओपन कर पाएंगे। यहाँ पर कोई भी रिक्वेस्ट आंसर नहीं है। बाकी नंबर प्लेट के लिए यहाँ पर दो लाइटें दी गई हैं जो कि नंबर प्लेट को शो कर सकें। और अब यह है इसका बूट, देखिए यहाँ से तो थोड़ा खुला खुला लग रहा है, वायरिंग वगैरह सारी खुली हुई है, ऐसा कुछ ढका नहीं है टाटा ने। यहाँ पर एक कैप लगा देते तो काफ़ी अच्छा होता, बट सीएनजी गाड़ियों में शायद यहाँ आता ही नहीं है। मैंने बहुत गाड़ियाँ देखी हैं, यहाँ पर कवर करते ही नहीं है, पता नहीं क्यों। तो चलो बात करते हैं सीएनजी सिलेंडर के बारे में। तो भाई फाइनली 14 किलो का सीएनजी सिलेंडर लगाया है कंपनी ने, आप देख सकते हैं इस तरीके से स्टैंड लगाया है, उसके ऊपर सिलेंडर है और यहाँ से इसकी फिटिंग फिनिश किया गया है। और ये वाल्व दिया गया है इमरजेंसी में बंद करने के लिए, यहाँ से आप इसको मैनुअली बंद कर सकते हैं। करें स्पेयर व्हील की, तो भाई स्पेयर व्हील आपको यहीं देखने को मिल जाएगा नीचे की साइड में, वही 14 इंच का स्पेयर व्हील है स्टील रिम में, और सारे टूल वगैरह आपको नीचे ही मिल जाएंगे। तो भाई बात करें अब स्पेस की, तो स्पेस भाई आप देख सकते हैं, मुझे नहीं लगता ओरा से इसमें ज़्यादा स्पेस है, ओरा में ही ज़्यादा स्पेस लगेगा मुझे तो, टिगोर में कम ही लग रहा था, मैं सोच रहा था कि स्पेस ज़्यादा मिलेगा, बट आप देख सकते हैं इतना ही स्पेस है, बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है। बट अगर आप टियागो लें तो टियागो से तो ज़्यादा स्पेस मिल ही जाएगा। आप इसमें इजीली दो बैग तो रख सकते हैं, दो तीन बैग, बाकी बहुत ज़्यादा नहीं रख सकते। और यहाँ पर आपको बूट ओपन करने के लिए हाइड्रोलिक्स भी दिए गए हैं जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है। बूट को बंद करने के लिए भी कोई हमें हैंडल वगैरह नहीं दिया गया है, नॉर्मली ऐसे पकड़ के ही बूट हमें बंद करना होगा, और बूट को भी थोड़ा हार्डली बंद करना होगा भाई, क्योंकि ये जो हाइड्रोलिक्स हैं थोड़े टाइट हैं अभी। तो अब हम बात करते हैं इसके इंटीरियर के बारे में। तो इंटीरियर में चलने के लिए मैं आपको बता दूं, आपको डोर पर भी रिक्वेस्ट सेंसर ऑफर किया गया है, आपको कीलेस एंट्री का ऑप्शन मिल जाएगा इसमें, इससे आप ओपन कर सकते हैं। और एक चीज़ जो ओल्ड लग रही है और जो पुरानी लग रही है वो है इसका डोर लॉक करने का टॉगल। इसको तो टाटा कम से कम चेंज कर सकती थी, क्योंकि टियागो में भी ये टॉगल चेंज कर दिया गया है, टियागो में अब नहीं मिलता, टियागो में ये टॉगल यहाँ शिफ्ट कर दिया गया है, बट टिगोर में अभी नहीं किया है। बट आने वाली जनरेशन में शायद हो सकता है इस टॉगल को यहाँ से चेंज करके यहाँ पर लिया है। और बात करें डोर पर, डोर हैंडल की, तो आपको रब ब्लैक फिनिश में ही दिया गया है, इसको पियानो ब्लैक फिनिश या क्रोम फिनिश में भी कर सकते थे बट नहीं किया, ये टॉप मॉडल में मिलेगा आपको देखने को। और यहाँ पर आपको जो डोर हैंडल है इस पर आपको पियानो ब्लैक फिनिश दी गई है यहाँ पर, और ऑल फोर पावर विंडो मिल जाएगी, ड्राइवर साइड ऑटो डाउन मिल जाएगी, ऑटो अप नहीं मिलने वाली, और ये विंडो लॉक करने का स्विच मिल जाएगा। और बात करें डोर के कलर की, तो डोर आपको डबल ड्यूल टोन में मिलेगा, बट मिलता जुलता ही कलर है, ये थोड़ा डार्क सिल्वर है, ये हल्का सिल्वर है। और यहाँ पर आपको फैब्रिक भी दिया गया है, सॉफ्ट टच देने की कोशिश की है टाटा ने, बट ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है, कपड़ा ही लगा दिया गया है इसमें, नीचे कुछ ऐसा नहीं है, हार्ड प्लास्टिक ही लग रही है बट ऊपर कपड़ा लगा है, तो इसलिए सॉफ्ट टच की फिनिश देने की कोशिश की है टाटा ने। बाकी नीचे की साइड में आपको एक बोतल होल्डर मिल जाएगा, छोटी बोतल ही रख पाएंगे, बड़ी बोतल नहीं रख सकते आप इसमें। और कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह रखने का स्पेस मिल जाएगा, एक स्पीकर की प्लेसमेंट मिल जाएगी आपको नीचे की साइड में। और बात करें ORVM की, तो ORVM आपको ऑटो फोल्डेबल ऑटो इलेक्ट्रिकल मिल जाएंगे, उसका टॉगल यहाँ पर दिया गया है, यहाँ से आप इनको ORVM को एडजस्ट कर सकते हैं, जो कि टाटा की सारी गाड़ियों में यहीं पर आता है। तो भाई फाइनली अब हम बात करते हैं इसके इंटीरियर के बारे में, और सबसे पहले बात करेंगे सीट्स के बारे में। तो इसमें आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट के साथ सीट ऑफर की गई हैं, और देखिए ये जो डिज़ाइन है टाटा हर जगह यूज़ करने लगा है, अपनी सीट्स में भी यूज़ करने लगा है, ट्राई एरो डिज़ाइन आप देख सकते हैं, मल्टी कलर में है। और बात करें सीट के, तो ये सीट आप हाइट एडजस्ट वगैरह नहीं कर सकते, खाली रिक्लाइन एंगल पर एडजस्ट कर सकते हैं और आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हैं, बाकी हाइट एडजस्टेबल सीट नहीं है इस वाले मॉडल में। आपको टॉप मॉडल में मिल जाए तो वो मैं बता दूंगा। बात करें इस इवेंट की, तो इस इवेंट आपको पियानो ब्लैक फिनिश में ही ऑफर किए गए हैं, इसके भी चारों तरफ आपको क्रोम की फिनिशिंग देखने को मिल जाएगी। बात करें स्टीयरिंग की, तो स्टीयरिंग आपको फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग दी गई है, जो कि टियागो में भी है, और नीचे की साइड में पियानो ब्लैक फिनिश दी गई है, सेंटर में टाटा का लोगो, और इस साइड आपको ऑडियो कंट्रोल्स के बटन देखने को मिल जाएंगे स्टीयरिंग पर। तो दोस्तों फाइनली अब हम चलते हैं गाड़ी के अंदर
और बताते हैं इसमें क्या क्या ऑफर किया गया है। और उससे पहले मैं आपको बता दूं इसकी चाबी के बारे में। तो भाई अंदर जाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ इसकी चाबी के बारे में। तो कुछ इस प्रकार की चाबी ऑफर की गई है। पीछे की साइड में टाटा का लोगो है और इसमें आपको लॉक अनलॉक का बटन मिल जाएगा, हेडलाइट ऑन करने का और बूट ओपन करने का बटन भी यहाँ से मिल जाएगा। तो अगर आप गाड़ी के बाहर हैं तो आपको बूट ओपन करना हो तो वहाँ बटन दबाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली यहाँ से इसको दबाएंगे तो आपका बूट ओपन हो जाएगा। दोस्तों फाइनली चलते हैं अंदर गाड़ी के और बात करते हैं इसके और फीचर्स के बारे में। तो स्टीयरिंग के लेफ्ट साइड में आपको वाइपर के कंट्रोल्स देखने को मिल जाएंगे और राइट साइड में हेडलाइट और इंडिकेटर के कंट्रोल्स देखने को मिल जाएंगे। बात करें MID की तो आपको फुल्ली डिजिटल MID देखने को मिलेगी। इस प्रकार की इसकी डिस्प्ले है, आप देख सकते हैं इस साइड RPM मीटर, इस साइड स्पीडोमीटर और ये सारे कंट्रोल्स वगैरह हैं। इधर फ्यूल मीटर दिखा रहा है पेट्रोल का, इधर ये जो फ्यूल मीटर देख रहे हैं ये CNG का है और नीचे की साइड में आपको जो फ्यूल मीटर दिख रहा है ये पेट्रोल का है। इधर CNG है, ये पेट्रोल है, इसमें CNG भी अभी ख़त्म हो रखी है। ये आपको सीट बेल्ट रिमाइंडर है और बीच में MID दी गई है। इसमें आपको डिजिटल स्पीडोमीटर है और नीचे की साइड में आपको कितनी गाड़ी किलोमीटर वगैरह चल गई वो, और यहाँ पर टाइम वगैरह और सारी इंजन की लाइट्स वगैरह ऑफर की गई हैं। तो काफ़ी प्यारा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी ऑफर किया गया है कंपनी की तरफ से, इसमें देख सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में। उससे पहले आपको बता दूं AC वेंट्स के चारों तरफ आपको क्रोम की गार्निश देखने को मिल जाएगी, सेंटर में 1000 dB का स्विच मिल जाएगा और नीचे की साइड में आपको हरमन का ऑडियो सिस्टम मिल जाएगा जो कि डबल डिन ऑडियो सिस्टम इसको बोलते हैं। इसमें आपको सॉफ्ट टच ऑफर किया गया है, तो आपको इसमें टच स्क्रीन तो नहीं मिलेगी बट जो बटन्स हैं वो आपको सॉफ्ट टच के साथ ऑफर किए गए हैं। और इस साइड में आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन देखने को मिल जाएगा क्योंकि इसमें आपको कीलेस एंट्री मिलती है इसीलिए। और इस बटन के चारों तरफ आपको क्रोम की गार्निशिंग देखने को मिल जाएगी और नीचे की साइड में यहाँ से आप बूट ओपन कर सकते हैं, यहाँ से आप CNG और पेट्रोल पर स्विच कर सकते हैं, यहाँ से लॉक अनलॉक और यहाँ से हेडलाइट एडजस्ट करने का, यहाँ से आप फॉग लैंप ऑन कर सकते हैं। और नीचे की साइड में आपको मैनुअल AC ऑफर की गई है, ऑटोमेटिक AC नहीं है इसमें। और यहाँ से आप इसके AC के मोड्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। नीचे की साइड में आपको USB ऑक्स का ऑप्शन दिया गया है और एक 12 वाट का चार्जिंग सॉकेट ऑफर किया गया है। नीचे की साइड में एक कुछ स्पेस दिया गया है, यहाँ पर आप अपना मोबाइल वगैरह और ये चाबी वगैरह प्लेस कर सकते हैं। और बात करें गेयरबॉक्स की तो 5-speed मैनुअल गेयरबॉक्स दिया गया है। इसके चारों तरफ आपको सिल्वर की गार्निशिंग देखने को मिलेगी, क्रोम गार्निशिंग नहीं है, सिल्वर गार्निशिंग देखने को मिलेगी। तो नीचे की साइड में आपको 2 cup holder मिल जाएंगे, थोड़ा सा स्पेस यहाँ भी मिल जाएगा, एक चार्जिंग सॉकेट यहाँ भी आपको ऑफर किया गया है कंपनी की तरफ से। 12 वाट का चार्जिंग सॉकेट यहाँ भी मिल जाएगा, एक वहाँ भी मिल जाएगा और पीछे की साइड में भी थोड़ा सा स्पेस है। बात करें हैंड ब्रेक की तो हैंड ब्रेक भी आपको क्रोम फिनिशिंग के साथ ऑफर किया गया है दोस्तों। तो भाई ये हो गई इसकी सारी डिस्प्ले वगैरह की इंफॉर्मेशन। अब मैं आपको बता देता हूँ IRVM आपको डे नाइट वाला मिलेगा, आप यहाँ से इसको डे नाइट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और जो डोर हैंडल्स हैं वो आपको एडजस्टेबल मिलेंगे बट ये नॉर्मल ही लग रहे हैं, कुछ ज़्यादा अच्छी क्वालिटी मेरे को इनकी लग नहीं रही। और बात करें सनवाइज़र की तो सनवाइज़र आपको विदाउट वैनिटी मिरर ऑफर किया गया है, इसमें वैनिटी मिरर वगैरह नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको एक टिकट होल्डर ज़रूर मिल जाएगा और यहाँ पर आपको एक माइक दिया गया है, अगर आपको कोई फ़ोन आता है तो आप यहां से आराम से बात कर पाएंगे। और बात करें रूफ लाइट की तो वो आपको सेंटर में नहीं मिलेगा, वो आपको यहां पर मिलेगी। और एक अच्छी चीज़ ये है कि ये आपको LED में मिलने वाली है, हैलोजन नहीं है, LED है, जो कि इसके काफ़ी प्यारी लग रही है देखने के लिए। और बात करें फ्रंट की तो फ्रंट का डैशबोर्ड डिज़ाइन वगैरह काफ़ी अच्छा है, क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया है, आप देख सकते हैं। डबल एयरबैग है और जो दूसरा एयरबैग है वो वहाँ पर देखने को मिलेगा। और इसमें आपको 2 tutor भी मिल जाएंगे जिनकी प्लेसमेंट आपको पिलर पर देखने को मिलेगी, एक ट्यूटर यहाँ पर है और एक ट्यूटर वहाँ पर है, 2 tutor दिए गए हैं कंपनी की तरफ से। बात करें ग्लव बॉक्स की तो ग्लव बॉक्स आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं, इस प्रकार से बड़े सॉफ्ट खुल रहा है और काफ़ी प्यारा है। कूल्ड ग्लव बॉक्स तो नहीं है, नॉर्मल है बट काफ़ी डीप और वाइड है, इसमें आप काफ़ी सामान रख पाएंगे। और भाई इधर से डोर लॉक अनलॉक करने के लिए टॉगल दिया ही गया है, आपको दिखा दिया था मैंने, जो कि यही एक कमी लग रही है मेरे को इसमें। इसके रियर डोर को खोलते हैं, तो रियर डोर को खोलने के लिए आप देख सकते हैं। और जो मैं आपको बता रहा था गलती हो गई, जो ट्यूटर में बता रहा था कि आपको 2 ही दिए गए लेकिन ट्यूटर आपको 4 मिलेंगे, रियर डोर पर भी आपको ट्यूटर मिल जाएगा देखने को यहाँ पर और सामने, मतलब आपको 4 स्पीकर और 4 ट्यूटर दिए गए हैं कंपनी की तरफ से।
और जो डोर हैंडल है वो रॉफिल एक्निश में ही दिया गया है। यहाँ पर डोर लॉक अनलॉक करने के लिए टॉगल दिया गया है, पावर विंडो का स्विच, गेट बंद करने के लिए डोर हैंडल, और यहाँ भी आपको सॉफ्ट टच देखने को मिल जाएगा। नीचे की साइड में एक वही बोतल होल्डर, थोड़ा सा स्पेस वगैरह, और एक स्पीकर की प्लेसमेंट यहाँ भी दी गई है। तो कुछ इस प्रकार का है इसका स्पेस वगैरह। बात करें रियर सीट्स की, तो रियर सीट आपको फिक्स हेडरेस्ट के साथ ऑफर की गई है, और इसमें आप बीच में आपको हेडरेस्ट ज़रूर मिल जाएगा, और उसके ऊपर भी आपको एक छोटा सा हेडरेस्ट दिया गया है। मतलब तीन पैसेंजर के लिए तीनों हेडरेस्ट अलग अलग दिए गए हैं, और बीच में आपको एक हैंडरेस्ट भी ऑफर किया गया है। अभी इस पर पन्नी लगी हुई है इसलिए मैं आपको खोल कर नहीं दिखा पा रहा। बाकी सीट के थाई सपोर्ट वगैरह काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने को, देख सकते हैं कुशनिंग वगैरह काफ़ी बढ़िया है, और मैं अब आपको इसमें बैठ कर दिखाता हूँ। तो भाई मैं अंदर बैठ गया हूँ और काफ़ी स्पेस वगैरह काफ़ी अच्छा है। मैंने आगे वाली सीट को अपनी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया हुआ था, और आप देख सकते हैं नी रूम काफ़ी अच्छा है, और थाई सपोर्ट वगैरह भी काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी अच्छा है। और बात करें हेड रूम की, तो हेड रूम भी काफ़ी बढ़िया मिलने वाला है आपको इस गाड़ी में। हेड रूम वगैरह की कोई कमी नहीं है, और जो हेडरेस्ट है वो एडजस्टेबल नहीं है। बाकी लंबी हाइट वाले को थोड़ा सा हेडरेस्ट के साथ दिक्कत आने वाली है, पर जिनके हाइट मेरे हाइट के अकॉर्डिंग है उनको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। बाकी सीट की चौड़ाई वगैरह काफ़ी है, तीन आदमी आराम से बैठ पाएंगे और इजीली ट्रेवल कर सकते हैं, और स्पेस वगैरह तो काफ़ी है, स्पेस की कोई दिक्कत नहीं आने वाली। और भाई रियर की सीट से जो इसका फ्रंट केबिन है वो कुछ इस प्रकार से देखने को मिलता है, आप चेकआउट कर सकते हैं। और आपको इसका केबिन कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और भाई रियर विंडशील्ड पर आपको कोई भी डिफ्यूजर वगैरह नहीं मिलेगा, बट एक हाई माउंट स्टॉप लैंप मिल जाएगा जो कि पूरी वहाँ से लेकर वहाँ तक है, और उसी के ऊपर आपको एक स्पॉइलर टाइप का कुछ देखने को मिल जाएगा जो कि इसके लुक को काफ़ी इन्हेंस कर रहा है। वो पियानो ब्लैक फिनिश में दिया गया है, सीएनजी की बैजिंग यहाँ मिल जाएगी, लोकल फॉर वोकल का टैग मिल जाएगा। तो इंजन बोनट हुड खोलने के लिए यहाँ लीवर दिया गया है, यहाँ से अब इसको पुल करेंगे तो आपका बोनट ओपन हो जाएगा। आपको मैं बोनट खोल के दिखा दूँ, और क्वालिटी की तो आप पूछो ही मत, काफ़ी बढ़िया क्वालिटी देने वाली है टाटा। तो भाई आप देख सकते हैं कितना हैवी बोनट है, एक हाथ से तो पकड़ा भी नहीं जा रहा, इतना हैवी है। और भाई इसमें आपको इंसुलेशन देखने को मिल जाएगा जो कि इसके इंजन नॉइस को केबिन में आने से रोकता है, और इसके इंजन की नॉइस को काफ़ी कम कर देता है। तो भाई एक मिनट में इसके बोनट को रोक देता हूँ, फिर बताता हूँ आपको। तो भाई अब मैंने इसका बोनट रोक दिया है, क्या इंजन कुछ इस प्रकार दिखता है। यहाँ सारी सीएनजी की फिटिंग्स की गई है, ये सारे सीएनजी की पाइपलाइन वगैरह है। और बात करें इंजन की, तो इंजन आपको इसमें 1.2 लीटर वाला, वही जो टियागो में दिया गया है, 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर रेवेट्रन इंजन दिया गया है। एक साइड की बैटरी दी गई है, और यहाँ पर सारे इसके फ्यूज वगैरह दिए गए हैं, और देख सकते हैं पूरी भरी हुई गाड़ी है। इसमें आपको स्पेस तो कहीं भी नहीं मिलने वाला, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और एक चीज़ और अच्छी दी गई है, जो इसमें आपको ऑयल फिल्टर है वो ऊपर ही दे दिया गया है, आप नॉर्मली यहाँ से खोलकर खुद से चेंज कर पाएंगे। बाकी गाड़ियों में नीचे से दिया जाता है चैम्बर के, बट इसमें ऊपर ही दे दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छी चीज़ है, यहीं से खोल सकते हैं। तो दोस्तों आपको गाड़ी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे ऐसे ही किसी अगली वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।